सनातन भारतवर्ष के संस्कृति में भजन एवं भक्ति संगीत का विशेष महत्व है। पूर्व काल में मात्र पुरुष ही भजन किया करते थे, लेकिन आज आधुनिक युग में भक्ति एवं भजन की परिभाषा विस्तारित हो चुकी है और महिलाएं भी अपने मंडल के माध्यम से भक्ति प्रसार कर रही हैं। ऐसे महत्व के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों भजन मंडलियों को साहित्य वितरित किए गए। भक्ति के सभी मार्गों में श्रेष्ठ भक्ति मार्ग कौन सा है? तो वह सरल भक्ति जीवन में केवल नामाश्रय ही सर्वोत्तम साधन है भगवान की प्राप्ति का। नवदा भक्ति में भी श्रीनाम के जाप और स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि निश्चल भाव से हरिनाम का कीर्तन किया जाए तो अल्प समय में ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नाम संकीर्तन करना ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है, यही सर्वोत्तम भजन है। जिस युग में हम रह रहे हैं इसमें तो भवसागर पार जाने का यही एक उपाय है। शास्त्र तो कहते हैं कि कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना होती है। नाम संकीर्तन का सुझाव किन ग्रंथों में दिया गया है? श्रीमद् भागवत कहता है कि कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आराधना करना शास्त्र सम्मत है। वे लोग बुद्धिमान है जो भजन करते हैं और भजनियों का समर्थन करते हैं। इसी महत्व के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों भजन साहित्य वितरित किए गए। जहाँ शहर के सभी लघु दीर्घ भजन मंडलियों को हारमोनियम, तबला, मंजीरा आदि भजन साहित्य वितरित किए गए। जहाँ अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज में धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के सृजन के लिए भजन ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से हम धर्म के संदेश एवं मूल को समझते हैं। इस वक्त उन्होंने बताया कि हमने भजन प्रतियोगिता के माध्यम से कई भजन मंडलियों को प्रोत्साहपूर्ण पुरस्कार वितरित किए और आगे भी करते रहेंगे। इस समय मौजूद सभी भजन मंडलियों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का धन्यवाद किया। विशेषतः धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्य वाढावे आणि आज आपल्या सगळ्यांच्या समोर संकट आहे की आपल्या भविष्यातली लहान मुलं आणि पिढी ही मोबाईलवर जे बघून आहे ते बघत असतात, त्यामुळे आपले भजन असतील, संगीत असेल, कीर्तन असेल, या आध्यात्मिक शांतीचा आनंद आपणही घ्यावा आणि त्याची रुची भविष्यातल्या पिढीच्या मनात निर्माण व्हावी या भावनेतून ही योजना आम्ही सुरू केली। आपल्या वस्तीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आपण रोज रात्री भजनाचा कार्यक्रम स्वतः आपण सगळेजण प्रॅक्टिस करता। मागे आम्ही चंद्रशेखर वराड पांडे यांच्या गजानन महाराजांचे मंदिर आहे तिथे मोठ्या प्रमाणावर भजन स्पर्धा घेतली होती। त्या स्पर्धेमध्ये खूप मंडळांनी भाग घेतला। उद्देश हाच आहे की आपल्या सगळ्यांच्या मनात आपलं संगीत, साहित्य आणि विशेषतः आपलं जे आध्यात्मिक मूल्य आहे, भजन, कीर्तन, प्रवचन, कोणी भगवद्गीता, कोणी मनाचे श्लोक, वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या समाजाचं प्रबोधन करणार। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डेंबरे की रिपोर्ट।